हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतरादिफ अल्फाज। आप लोग मुतरादिफ अल्फाज पढ़े होंगे और जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। आप लोग ग्रामर में पढ़े हैं सिनोनिम्स, वही आज मैं आप लोग को उर्दू में पढ़ाऊँगी। इसे हिंदी ग्रामर में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे उर्दू ग्रामर हो, तीनों जो ग्रामर होता है सेम होता है, बस उसका जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो अलग होता है। नहीं तो जो भी ग्रामर में आप लोग जैसे यहाँ पे पढ़ोगे मुतरादिफ अल्फाज, वही आप लोग इंग्लिश में पढ़ोगे सिनोनिम्स। ठीक है, लैंग्वेज बस चेंज रहेगा, लेकिन जो जो उसमें पढ़ना है उसको सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं मुतरादिफ अल्फाज का डेफिनेशन करा देती हूँ आप लोग को। आप लोग नोट कर लो, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोग कहोगे पीडीएफ में सिर्फ इतना ही रहेगा जो मैं कराऊँगी, तो नहीं, पीडीएफ में आप लोग को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हो। तो मुतरादिफ अल्फाज क्या होता है? हम माना अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। हम माना अल्फाज क्या हुआ? यानी एक जैसा, जो एक जैसा हो, उसका मीनिंग सेम हो, बस वो लिखा जाएगा कुछ और लेकिन रहेगा उसका माना सेम। जैसे यहाँ पे देखो, गैर गैर दिया हुआ है, अब इसका माना क्या निकल गया? बेगाना, अजनबी, उसका मीनिंग एक ही है। बेगाना बोलो, चाहे अजनबी बोलो, चाहे गैर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मीनिंग तो वही रहेगा ना। वही यहाँ पे कहा गया है, एक जैसा जिसका मीनिंग एक हो उसे मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। आप लोग डेफिनेशन अगर देगा एग्ज़ाम में कि मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं हम माना अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। समझ में आया? इसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं और हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल। गैर, गैर जिसे बेगाना चाहे अजनबी कुछ भी कह सकते हैं। अब देखो, आफ्ताब, आफ्ताब खुर्शीद सूरज, दोनों से कुछ भी कहो सेम ही है। आप लोग खुर्शीद भी बोलोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, सूरज भी बोलोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, चाहे आफ्ताब बोलो, मतलब इसमें कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम मान अल्फाज एक जैसा अल्फाज है ना, इसी को कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। फिर देखो तीसरा है धन, धन का दौलत, माल, धन भी बोल सकते हैं, दौलत भी बोल सकते हैं। अब दौलत बोल दोगे तो गलत थोड़ी ना जाएगा, मीनिंग चेंज तो नहीं हो जाएगा, वही रहेगा ना। तो धन भी बोल सकते हैं, दौलत भी बोल सकते हैं, माल भी बोल सकते हैं। आका, आका का मालिक, मौला, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, मालिक भी बोल सकते हो, मौला भी बोल सकते हो। फिर यहाँ पे देखो सूरत, आप लोग जैसे कहते हैं ना एग्जाम्पल सूरत व शकल, तो वही सूरत शकल एक जैसा हम मान अल्फाज है ना, कहने में भी ये सूरत शकल एक जैसा लग रहा है, समझ बूझ। फिर देखो यहाँ पे नीचे जानवर, जानवर हैवान, दहशी, सब एक जैसा लग रहा है, इसी को कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। यानी कि हम माना अल्फाज एक जैसा अल्फाज हो, चाहे आप लोग हैवान बोलो, चाहे दहसी बोलो, चाहे जानवर, तीनों का मीनिंग सेम है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा रहेगा आप लोग का, अब कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, आप लोग का कोई भी बोर्ड हो, अब उसमें क्वेश्चन किस तरह से रहेगा? तो सबसे पहली बात, चाहे वो आप लोग दसवीं में हो चाहे बारहवीं में हो, ये दोनों बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, हर साल आए पूछे गए हैं सवाल क्वेश्चन पेपर में, हर साल ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आगे भी पूछा जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं, ये तो आएगा ही आएगा। अगर ये नहीं आया, अगर सिंपल सा नहीं पूछेगा, तो ये ज़रूर पूछेगा मंदरजा ज़ेल में से मुतरादिफ अल्फाज कौन है। मंदरजा ज़ेल मतलब नीचे जो दिए गए हुए हैं उसमें से मुतरादिफ अल्फाज कौन हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो ये आप लोगों को करवा रही हूँ यही आएगा, इसमें से कुछ और भी अल्फाज, यहाँ पर जैसे मैं दी हूँ समझ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में समझ ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है, इसके जगह कोई और अल्फाज भी दे सकता है। तो यहाँ पे देखो मंदरजा ज़ेल में से मुतरादिफ अल्फाज कौन हैं, तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस दी हुई हूँ, मतलब ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, ऑप्शंस नहीं क्वेश्चन ही है, समझ ना समझ, तो ये मुतरादिफ अल्फाज है, समझ ना समझ, तो नहीं ये मुतरादिफ अल्फाज नहीं है। मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं? हम माना अल्फाज, यानी एक जैसे। आफ्ताब दौलत, आफ्ताब का तो दौलत नहीं होता है, तो ये भी मुतरादिफ अल्फाज नहीं है। फिर देखो डर का निडर, डर निडर, ये तो उल्टा बन गया, तो ये मुतरादिफ अल्फाज कैसे होगा? तो ये मुतरादिफ अल्फाज नहीं है, ठीक है, तो इसे भी आप लोग कट कर दो। अब ये देखो सूरत शक्ल, तो सूरत शक्ल जो है हमारा मुतरादिफ अल्फाज है, तो ये हो गया करेक्ट, ठीक है, डी नंबर जो हो गया करेक्ट, सूरत शक्ल जो है मुतरादिफ अल्फाज है। मुतरादिफ अल्फाज आप लोगों को समझ में आया क्या होता है? जो हम माना एक जैसा हो, चाहे आप लोग यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल देखो, सूरत शकल ही को देख लो, सूरत शकल, अब शकल बोलो चाहे सूरत बोलो, दोनों का तो एक ही हुआ ना, शकल बोलोगे तो गलत थोड़ी ना हो जाएगा, तो दोनों यानी कि एक जैसा जो हो गया, ठीक है, हम माना यानी एक जैसा अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग के जहन में घुस जाए,
समझ में आ गया मुत्रादिफ अल्फाज क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सब कुछ क्लियर है। चलिए ये सारा मैं क्लियर कर दी हूँ मुत्रादिफ अल्फाज, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें और भी ज़्यादा मुत्रादिफ अल्फाज प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके सारा पढ़ लोगे। एग्ज़ाम में उसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा, आएगा ज़रूर, ठीक है। चलो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।